प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब, भगवा मय हुई सड़कें, आसमान से बरसे फूल, मोदी मय हुआ यात्रा मार्ग। प्रधानमंत्री ने जनता का किया अभिवादन, बुधवार की शाम भोपाल में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में किया रोड शो। प्रधानमंत्री ने मालवीय नगर स्थित तिराहे से खुले रथ पर सवार होकर मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे तक जनता का अभिवादन किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा। रोड शो रोशनपुरा चौराहे से होते हुए मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे तक पहुंचा। फूलों से सजे रथ पर सवार प्रधानमंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा, प्रत्याशी आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। विभिन्न समाज संगठनों ने किया स्वागत, सड़कों पर गूंजे मोदी मोदी के नारे और अब की बार 405 नारे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। इस अवसर पर मैं अपने यशस्वी मोदी जी के लिए आभार भी मानता हूँ, जिन्होंने समय निकाला। आज दो सभाएं करने के बाद ऐसी प्रचंड गर्मी में भी वो जिस उत्साह उमंग से जनता के बीच आए, ये बताता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसी है और उनका अपना आत्मसंयम और जिस ढंग का वो स्टेज है जनता ने आज देखा है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मोदी जी का अभिनंदन, जिनने देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो के लिए समय दिया, मैं आभार भी मानता हूँ। इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौर जी, सारे सांसद विधायक और सबसे बड़े सांसद प्रत्याशी श्री आलोक शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी और ग्रामीण अध्यक्ष, सबने मिलकर भयानक मेहनत की। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।